इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सरकार चातुर्मास में बैठे रहे, भजन करते रहे, इनको सत्संग का भी समय नहीं मिला, मानस में वर्णन गया ही नहीं। परमात्मा के वचन है, सरकार असत्य बोलते नहीं है। सुग्रीव सुधिमौरी विसारी बाबा राज कोश पुर नारी, चारों मिल गया, भूल गया। ये जीव धर्म है, जीव भूल ही जाता है, भगवान को भूल जाता है, धर्म भूल जाता है, यज्ञ भूल जाता है, कीर्तन भूल जाता है, कथा भूल जाता है, सब भूल जाता है। आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं कि इस कलिकाल में इतने व्यस्ततम समय में भी आकर घंटा दो घंटा तीन घंटा भगवान की कथा श्रवण करते हैं। आप सुग्रीव से भी श्रेष्ठ है कि भगवान की कथा श्रवण तो करते हैं। उनको तो संध्या वेला में नित्य चातुर्मास में सत्संग होता रहा, जाने का फुर्सत मिला ही नहीं, गया ही नहीं। प्रभु ने प्रेरित किया, लाए गए, क्षमा याचना किया, भगवान मुस्कुराए, सबको दिशा निर्देश दिया, सब लोग जाइए, सब दिशाओं में जाइए, सीता माता का पता लगाइए, सावधान, एक माह तक प्रतीक्षा करूंगा। एक माह के अंतर्गत जो बिना मां का पता लगाए आया वो मेरे हाथों मारा जाएगा। सब दिशाओं में कपिल लोग गए, भगवान ने निर्देश किया होगा। जटायु जी महाराज ने कहा था कि लई दक्षिण दिश गयव गोसाई, जामंत बाबा के सानिध्य में, अंगद जी के जो राजकत्व में, श्री हनुमान जी, नलनील, गवगवाक्ष और भी जितने भी दसों युद्धपति थे, दक्षिण की ओर प्रस्थान कराए गए। सबने भगवान को प्रणाम किया, सबसे पाछे श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया, परमात्मा ने निकट बुलाया, कर मुद्रिका प्रदान किए, दिए, शेष पर हाथ फेरे, शरीर को सुरक्षित किया। ये सिर पर जो हाथ फेरा जाता है ना, ये कवच है। श्री हनुमान जी के सिर पर भगवान ने हाथ फेर, जैसे ही फेरा, हनुमान जी समझ गए भगवान ने रक्षा कवच भेंट कर। परसा शीश सरोरुह पानी, कर मद्रिका देन जन। भगवान ने संदेश किया, बहुत प्रकार समझाइएगा, विरह के बल और वेग को कहकर आइए। अब यही इसी पंक्ति में सुंदरकांड पूर्ण हो गया। कैसे? भगवान ने कह दिया था, कही बल विरह वेग तुम आयो, कौन रोकने वाला? मैनाक प्रणाम, सुरसा जी प्रणाम, आगे बढ़े लंकिनी, जय सिया राम, काल गाल गए, सिंहका को मार दिया, लंकिनी पर एक घुसा पड़ा, रक्त निकला, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, प्रवेश नगर कीजिए सबका, जाइए, सब कार्य संपन्न, कोई टेंशन नहीं। श्री हनुमान जी पहुंच गए, कहां? लंका में पहुंच गए। अरे कोई रोका नहीं, भगवान ने कह दिया ना, बहु प्रकार सीते ही समझाए, कही बल विरह वेग तुम आए, कौन रोकेगा? जाओ आओ। हनुमान जी क्यों नहीं रुक रहे हैं? इसलिए नहीं रुक रहे हैं, बाबा ने पंक्ति कही, जिमी अमोघ रघुपति कर अमो
जाने जिस निमित्त गया है वह कार्य पूर्ण करके ही लौटेगा। राम बाण का एक वैशिष्ट्य है, पहले तो राम जी का बाण तर्कस से निकलता नहीं, और निकल गया तो बिना लक्ष्य भेद किए वापस आता नहीं। इसी कारण से जयंत की एक आंख रोकनी पड़ी थी। ये क्या है, कथा कहती है जीवन में कोई अपराध में कार्य किया न जाए और किया जाए तो तैयार रहा जाए। क्या मेरा एक प्रवचन सत्र है उसको स्मरण करिए, चोरी करना बुरा नहीं है, खूब करिए, झूठ बोलना भी बुरा नहीं है, ठगना भी बुरा नहीं है, यदि हम जेल जाने की तैयारी रखे हैं तो। यदि जेल जाने में प्रसन्नता हो तो चाहे जो चुराइए, चाहे जो खाइए, चाहे जिसको ठगिए, क्योंकि जब परिणाम आएगा तो क्या होगा, आ तो जेल जाना पड़ेगा, तो फिर बाजा के साथ जाइए, बाजा बजा के जाइए और आनंद करिए। हाँ, यदि सजा से भय हो तो ये अपराध तीनों कदाप नहीं करिए, चोरी करेंगे जेल जाना पड़ेगा, झूठ बोलेंगे सजा मिलेगी, किसी का सामान लेंगे अपना सामान जाएगा। इसलिए हमारी ऋषि परंपरा ने हर कार्य के फल की सजा निश्चित की, इस व्यवहार का ये फल होगा। भागवत जी में सब वर्णन है। अब भगवता चार लोग इसलिए नहीं सुना, मतलब श्रोता ही नहीं आएगा कल से, डराते हैं बेचारे, लिखा सब है। ये कर्म करेंगे, यदि हमने किसी का एक कलम भी चुराया तो इसका फल क्या है, ये लिखा है, आदमी जानेगा तो नहीं चुराएगा। हमारी ऋषि परंपरा ने ऐसा कोई व्यवहार नहीं है जिसका परिणाम न दिया। और तो क्या कहें सरकार, किस किस के घर में भोजन करना चाहिए और किस किस के भोजन से बचना चाहिए ये भी लिखा है, कहाँ खाना है कहाँ नहीं खाना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, ये क्या है, ये धर्माचरण है, नहीं करते। अब इसका अपना एक रस है, अपना आनंद है। देखिए, श्री हनुमान जी को भगवान की आज्ञा हुई, हनुमान जी चले, कहाँ चले, लंका में चले। अब लंका में कोई अपना तो है नहीं, सब रावण के हैं। तो हनुमान जी संध्या बेला में लंका प्रवेश किए और ढूंढने लगे, रावण सो रहा है, निकुंभला माता के मंदिर में सो रहा है, घड़ी में बना रखा है। हनुमान जी ने देखा, शयन किए देखा कब थे, माता जी तो थी नहीं वहाँ, तो हनुमान जी निकल के बाहर आए, भवन एक पुन दिख सुहावा, एक मकान दिखा, भगवान का मंदिर अलग बना है, आयुध बने हैं, धनुष बाण रामा नाम अंकित है। तो हनुमान जी सोचने लगे, इन निशाचरी नगरी में इस सज्जन का घर कहाँ से है। हनुमान जी तर्क कर रहे हैं, ये कोई माया का नगर तो नहीं है, निशाचर का नगर और ये साधु का घर, ये कैसे संभव है, हैं क्या क्या लीला है। हाँ, भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, देखकर मन में नाना विधि, श्री हनुमान जी मन में तर्क करें, कपिलागा। हनुमान जी तर्क करने लगे, यहाँ ये कैसे, तुलसी जी का विरवा कैसे, मेरे सरकार का नाम राम नाम अंकित कैसे, धनुष बाण बनाए, ओंकार बनाए, क्या लीला।
भक्त को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम वहाँ जा रहे हैं, पता नहीं कोई हमारा वहाँ है नहीं है। देखिए तीन बात, भगवान के भगत आलू और पागल, दुनिया के किसी देश में गांव में जाइएगा तो मिलेंगे। पागल माने भगत लोग, हम लोग जैसे। ये कहीं कोई गांव भी आप जाएंगे, ये हमारे आप जैसे एक न एक व्यक्ति, गुआ वाले बोलते हैं, अरे वो पगलू वहीं मिलेंगे, कुआं पर मिलेंगे, जाइए राम भजन कर रहे होंगे। ये तीन व्यक्ति दुनिया के हर देश में आपको प्राप्त होंगे, चाहे स्थिति परिस्थिति जो। भगत जी, श्री हनुमान जी मन में विचार कर रहे हैं, मन मोह तर्क करें कपिला, सरकार ने प्रेरणा की, ठीक ते ही समय चौपाई दर्शन करिएगा। इधर हनुमान जी महाराज तर्क कर रहे हैं क्या कि इस लंका में इस साधु का घर कैसे। इसी समय विभीषण जी जगा दिए गए, श्री हनुमान जी तर्क में डूबे हैं और विभीषण जी जगकर श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम ते ही कौन कौन विभीषण जी राम नाम स्मरण किए, श्री हनुमान जी पहचान गए ये सज्जन अर्थात भगत जी हैं। बहुत अच्छा है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो सवेरे एक लोटा पानी पीते होंगे, एक गिलास चाय पीते होंगे, लेकिन सवेरे सवेरे उठ करके चाय चाय न चिल्लाएं, राम राम चिल्लाएं तो घर में कोई ना कोई बना के दे ही जाएगा। चाय लाओ, कपार फट रहा है, चाय लाओ, इससे अच्छा राम राम सीताराम। लोग समझ जाएंगे अब चाय वाले बप्पा जग गए। चाय चाय हल्ला करने से अच्छा है राम राम गाइए, एक राम जी खुदे चाय पहुंचा देंगे। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, एक जगह मैं रुका था तो बाबा जी सुबह चाय नहीं मिली तो बहुत हल्ला मचाए। हमने कहा क्यों प्रातः काल है इतना, बोले उनकी चाय का समय है, 6 बजे लेट हो गया है, लेट हो गया तो सुमिरन करो। सीताराम, तो भगवान को पीना होगा तो खुदे भोग लगवा के भिजवाएंगे प्रातः काल। ओ मंगल शब्द उच्चारण करना चाहिए, अमंगल शब्द नहीं। जगो इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।